के सम्मुख उसकी पुत्री का अहित तो दूर, उसके बारे में सोचना भी अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। पुत्री तुम जाओ यहां से। तुम्हारी पुत्री यहां से जाएगी अवश्य, किंतु मृत्यु नो। पिताश्री, ससुर को रोकने का एक ही मार्ग, हमें ससुर को यहाँ से दूर ले जाना होगा। तुम कितने अल्पबुद्धि हो, तुम मारने तो हमें आए थे किंतु लड़ हमारे पिताश्री से रहे हो। आओ आओ पकड़ो हमें। से दूर करना होगा। गंगा, हम इस प्रकार कब तक भागते रहेंगे? तुम सत्य कह रही हो। एक काम करते हैं, हम इस ससुर को भ्रमित करते हैं, हम सब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। मुझे बाकियों को नहीं गंगा को मारना है। अब भाग कर कहां जाओगी गंगा? पीछे खाई और आगे मैं। अब क्या करोगी? हम तुमसे भाग नहीं रहे थे, हम तो केवल तुम्हें वहां लेकर आ रहे थे जहां तुम किसी का हित ना कर सको। मृत्यु के समय भी दूसरों की चिंता। बहुत कर ली तुमने दूसरों की चिंता, अब समय आ गया है तुम्हें चिंता मुक्त और जीवन मुक्त करने का। ससुर को क्या हो गया?
अकस्मात ये भाग क्यों गया? इसे क्या हुआ? गंगा, पुत्री गंगा, ससुर का संकट तो टल गया किंतु अब माते की चिंता कैसे दूर करेंगे? गंगा, पुत्री गंगा, पुत्री गंगा, पुत्री गंगा। असुरराज, आपने तो कहा था कि वो पालिका शस्त्रहीन है, किंतु उसके पास तो दिव्य शस्त्र है। देखिए, देखिए, क्या दशा की है उस गंगा ने मेरे। गुरुदेव, गंगा तो केवल जल की देवी है ना, तो उसके पास ये शस्त्र कहां से आया? गंगा ने किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, उसने कुशा की पवित्र शक्तियों का प्रयोग किया है। कुशा? पुत्री, हमें यह बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो उस भयानक असुर को वहां से भागना पड़ा? वही तो हम भी नहीं समझ पा रहे पिताश्री। हमने तो बस वन में होगे इन तिनकों से अपना बचाव किया था। उषा, पुत्री, ये कुशा है, ये कोई साधारण वनस्पति नहीं है, इसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु? पिताश्री, भगवान विष्णु तो वैकुंठ में वास करते हैं, तो इस कुशा में उनका वास कैसे हो सकता है? पुत्री, ये उस समय की बात है जब अंधकासुर के पिता हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर उसे पाताल लोक में छुपा दिया था, और तब पृथ्वी की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था। भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर रख पाताल से बाहर निकाल दिया, जिस कार्य में प्रभु ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी थी, जिसके कारण उनके शरीर के रोम खड़े हो गए थे। तत्पश्चात प्रभु ने पृथ्वी को अपनी धुरी पर रखा और अपने शरीर को स्वच्छ किया, जिसके कारण उनके शरीर के रोम पृथ्वी पर गिरे, तो उसी से जन्म हुआ इस पवित्र कुशा का। और तब से साक्षात भगवान विष्णु का इस कुशा में वास होता है। इसका अर्थ ये है, यदि उस ससुर ने पुनः आने का दुस्साहस किया तो वो आप कहीं नहीं जाओगी, समझी? ठीक है माते, हमने सुन लिया, अब आप सो जाइए। किंतु हमें करना तो वही पड़ेगा जो हम सोच रहे हैं। देवी गंगा, मैं समझ गया आप क्या सोच रही हैं, और आपके शुभ कार्य में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। गंगा ने जो कुछ भी किया है अनजाने में किया है, अभी उसे कुशा की संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान नहीं, किंतु इससे पहले जब उसे कुशा का दिव्य ज्ञान हो, जाओ और उसका अंत कर दो। गुरुदेव, पिछली बार तो मैंने उसे बालिका समझने की भूल की थी, किंतु इस बार उस बालिका का विनाश निश्चित है। विजयी भवा।
जया, विजया, नंदेश्वर, वो असुर पुनः आएगा और उसे रोकने का केवल एक ही मार्ग है और वो है ये पवित्र कुशा। तो जहाँ जहाँ संभव हो हमें ये पवित्र कुशा लगानी है। सत्य कहा तुमने गंगा, इन्हीं कुशों के कारण हिमालय और पवित्र व सुरक्षित हो जाएगा। आया ही नहीं हूं गंगा, इस बार तुम्हारा अंत करके जाऊंगा। तो आओ ना, रुक क्यों गए? ये तो मम्मी देखकर हैप्पी तो नहीं हो गए? आओ। हो अन्यथा एक बालिका से क्या साब है? है तो तुम्हें लगेगा गंगा, चाहे सब कुछ टल जाए किंतु तुम्हारी मृत्यु अटल है। तो एक काम करो, तुम हमें पकड़ के दिखाओ। हम गंगा है, हमें पकड़ना इतना सरल नहीं, स्वयं प्रयास कर लो। आओ आओ। चाहे आज मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु आज इस गंगा का अंत किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे अरे, आओ आओ, पकड़ो हमें। आओ आओ, पकड़ो ना हमें। सच्चा सूर हो ना, कहीं बहरूपी तो नहीं? आओ आओ। जल पिलाओ, मुझे जल पिलाओ। ये असुर तो भयंकर पीड़ा में है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। नंदेश्वर, ये असुर भयंकर पीड़ा में है, हमसे इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही, हमें इसकी सहायता करनी होगी। एक असुर की पीड़ा से भी आपको पीड़ा हो रही है? आप सच में बिना किसी भेदभाव के सबका कल्याण करती हैं देवी गंगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो नंदेश्वर? बताओ इस मन में हम कहां से पिलाए उसे जल? जल की देवी तो आप हैं, भला अब मैं आपको क्या मार्ग बता सकता हूँ? मौत क्यों नंदेश्वर, कुछ तो कहो, सहायता करो हमारी। अब हम क्या करें, हमें तो चारों दिशा में सिर्फ खुशी कुछ दिखाई दे रहा है। कुश, पिताश्री ने कहा था कि कुश में साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं, पर यदि हम कुश धारण करके उनकी आराधना करें तो वो हमारी आराधना स्वीकार करते हैं। वासुदेवाय। हे
जिस प्रकार आपने धरती का उद्धार किया था उसी प्रकार लेभाज का भी उद्धार करें, उनकी पीड़ा दूर करें, उन्हें जल देकर उनकी इच्छा पूर्ण करें प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी गंगा, आज आपने केवल मेरे कष्टों को ही दूर नहीं किया, अपितु मुझे मेरे आसुरी रूप से भी सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया है। हे मोक्षदायिनी गंगा, आप धन्य। हे पापनाशिनी गंगा, आपकी जय हो। देवी गंगा, गंगा ओम नमोस। असुर, वो असुर कहाँ चला गया? कहाँ गया असुर? जिसे स्वयं गंगा जल दान दे, मैं तो सीधे परम धाम को ही जाएंगे ना देवी। धन्य है देवी गंगा, आज संसार में आपने पितरों के तर्पण की व्यवस्था स्थापित कर दी। अब से जो कोई भी अपने अनामिका उंगली में कुशा को धारण कर भगवान विष्णु के मंत्रोच्चारण के साथ अपने पितरों को गंगा जल देगा, उसके पितर सदा सदा के लिए जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त होंगे। हे मोक्षदायिनी गंगे, आपको कोटि कोटि नमन। महाराज, महाराज, हमने राजकुमारी को सारी दिशाओं में ढूंढा परंतु वो हमें कहीं नहीं मिली। तो ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, कहीं वो असुर पुनः तो नहीं आ गया? देवी, कहीं गंगा का जीवन संकट में तो नहीं? देवी, अब किस पर संकट आ गया? माते, हमें बताइए। गंगा, तुम ठीक तो हो पुत्री? माते, हम आपके सामने खड़े हैं, आप स्वयं देख लीजिए। गंगा, पहले आप ये बताइए कि आप चली कहाँ जाती हैं, जो किसी की ढूंढने से भी नहीं मिलती? आने वाले संकटों को दूर करने। संकट? अर्थात? पिताजी, आप जानते हैं वो असुर पुनः आया था। असुर? कहाँ है असुर? वही जहाँ उसे होना चाहिए। श्री हरि की कुशा ने उसे उसके संकट भरे जीवन से मुक्त करके उसे उसके प्रिय लोग पहुंचा दिया। इसलिए माते, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस असुर का दुख और हमारा संकट दोनों समाप्त हो गए हैं। नहीं गंगा, हमारे जीवन का संकट तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप अपनी चिंता किए बिना स्वयं को समस्याओं में डालती रहेंगी। पुत्री, तनिक ये तो सोचो कि यदि आपको कुछ हो गया आप क्या करेंगे? किंतु माते, हम तो एकदम ठीक है ना? आप पुनः देख लीजिए। गंगा, ऐसे माते, ये कार्य करके हम और हमारा मन दोनों अति प्रसन्न हुए। गंगा, आपको समझाने का कोई लाभ नहीं, अब आपको सुधारना होगा, चलिए यहाँ से। किंतु माते, आपका गंगा सुधार गृह कहाँ है? बहुत हो गया गंगा, कभी आप पर्वत पे चढ़ती हैं
कभी आप इस अल्पायु में असुरों से उलझती हैं। अब आप वही करेंगी जो हम कहेंगे। चलिए। किंतु माते। इतना बड़ा संकट इतनी सहजता से टल गया। निश्चित ही इसका संबंध हमारी पुत्री पर माता आदिशक्ति के आशीर्वाद से है। हे माता आदिशक्ति, आपको शत शत प्रणाम। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.